कल जो टेस्ट लगाए गए थे पूरे दिन में वो 285 की संख्या थी उनकी, जिसमें से 257 निगेटिव आए हैं और 28 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इसके पश्चात इंदौर ज़िले की अगर कुल संख्या देखी जाए तो ये 1514 हो जाती है, और इनमें से कई लोगों को कल हमने डिस्चार्ज किया था। इधर MRTP से भी डिस्चार्ज हुए थे और सेम्स में से भी डिस्चार्ज हुए थे। आज भी करीब 40 से 50 लोगों के डिस्चार्ज होने की पूरी संभावना है और इंडेक्स में करीब 30-31 लोगों के डिस्चार्ज होने की संभावना है। इस तरह से हमारा स्थिति बेहतर होती जा रही है और डिस्चार्ज का हमारा रेशियो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कल की मृत्यु को अगर जोड़ा जाए तो ये मृत्यु टोटल 72 हो जाती है, और 72 मृत्यु को भी अगर टोटल केसेस से देखें तो ये 4.5% के अंदर आ रही हैं, जो कि शुरुआत में हमारा हम लोग 12% से ऊपर थे, 20% के करीब थे। तो वर्तमान में स्थिति को मैं सामान्य होते हुए देख रहा हूँ। 3 दिन पहले जो 165 का आंकड़ा आया था वो आंकड़ा 31 जो टेस्ट हमारे गए थे उनके आने से आया था, अन्यथा अब जो रूटीन में टेस्ट लग रहे हैं ये लगभग 300 के करीब टेस्ट लगभग रोज लगते हैं, और उनमें से 10% से भी कम लोगों को पॉजिटिव आ रहा है। सर, ये जो डेथ का आंकड़ा है 72, उनमें अधिकतर मरीज कौन से ऐसे हैं जो, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट हमारा पहले 11% पर पहुंच गया था तो चिंता का विषय था। अधिकांश लोग इसमें अभी भी वो हैं जो जिनकी उम्र अधिक है, प्लस जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, अर्थात या तो उनको डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है या सांस की बीमारी या कुछ अन्य बीमारी रही हो। 70% के करीब लोगों को कोमॉर्बिडिटी पाई गई है। दूसरी बात जो आपने कहा कि पहले मॉर्बिडिटी ज़्यादा थी, उसमें अभी ये फ़र्क पड़ा है कि IEC लोगों को समझाना, इन सब से ये फ़र्क पड़ा है कि पहले लोग बाग आखिरी स्टेज में आते थे हमारे पास, बीमारी को छुपा के रखते थे, और उस वक्त हॉस्पिटल स्टे उनका एवरेज 2 दिन का था। अभी इतना प्रशासन के द्वारा जो सख्ती की गई है, जो प्रचार प्रसार किया गया है और लोगों में जो अपनी स्वयं की तरफ से जो उनमें आई है, तो उसको देखते हुए अभी लोग पहले से ही बता रहे हैं। दूसरा ये कि हमारा जो सर्वे पूरे शहर में फैला हुआ है, इसमें भी हम लोग केसेस निकाल रहे हैं जो सिम्टोमेटिक होते हैं। यदि लोग सही समय पर इलाज कराना प्रारंभ कर देते हैं तो यह बीमारी उतनी घातक नहीं है, इसलिए अभी मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 5 के नीचे आ गया है।